दोस्तों आज मैं अपनी वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ 2023 में होली कब है, होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या होगा और भद्रकाल कब रहेगा। दोस्तों यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर से सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य से लिख दीजिए। दोस्तों फागुन माह में होली का त्यौहार पूरे देश में मनाया जाता है। इस बार होली कब मनाई जाएगी मैं अपनी वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों इस साल 2023 में रंगों की होली अर्थात खेलने वाली होली 8 मार्च को होगी, जबकि उससे एक दिन पहले होलिका दहन होगा जिसे छोटी होली कहा जाता है और पूजने वाली होली भी कहा जाता है। दोस्तों 7 मार्च को फागुन पूर्णिमा को प्रदोष काल में शाम के समय होलिका दहन किया जाएगा। दोस्तों हिंदू धर्म में दिवाली के बाद होली का त्यौहार सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। पंचांग के अनुसार फागुन पूर्णिमा को प्रदोष काल में होलिका दहन होता है और उसके अगले दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को होली खेली जाती है। रंगों के त्यौहार होली में लोग एक दूसरे को रंग बिरंगे गुलाल लगाते हैं, बधाई और शुभकामनाएं एक दूसरे को दी जाती है। दोस्तों इस साल होलिका दहन की तिथि पर सुबह में भद्र रहेगा। होलिका दहन का समय कब होगा? दोस्तों फागुन पूर्णिमा 6 मार्च दिन सोमवार को शाम 4:17 पर प्रारंभ होगी और इसी तिथि का समापन 7 मार्च दिन मंगलवार को शाम 6:09 पर होगा। फागुन पूर्णिमा तिथि में प्रदोष काल में होलिका दहन होता है, ऐसे में इस साल होलिका दहन 7 मार्च मंगलवार को होगा। 7 मार्च को होलिका दहन का मुहूर्त शाम को 6:24 से रात 8:51 तक रहेगा। इस दिन होलिका दहन का कुल समय 2:27 तक है। इस समय में होलिका पूजा होगी और फिर होलिका में आग लगाई जाएगी। दोस्तों होलिका दहन के दिन 7 मार्च को भद्र सुबह 5:15 तक है, ऐसे में प्रदोष काल में होलिका दहन के समय भद्र का साया नहीं होगा। दोस्तों होलिका दहन के अगले दिन होली का त्यौहार मनाया जाएगा, ऐसे में इस साल होली का त्यौहार 8 मार्च दिन बुधवार को मनाया जाएगा। 8 मार्च को चैत्र कृष्ण प्रतिपदा तिथि शाम 7:42 तक है। दोस्तों आप सभी होली के दिन भगवान श्री कृष्ण को गुलाल के फूल की पत्तियों से सजाना, भगवान आपके जीवन को भी फूलों से सजा देंगे। दोस्तों इस बार होलाष्टक कब से कब तक लगेगा आइए जान लेते हैं। दोस्तों होलाष्टक का अर्थ है जले बले दिन, क्योंकि इन दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। दोस्तों होलाष्टक होली से 8 दिन पहले लगते हैं। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को होलाष्टक लग जाते हैं, जो कि इस बार 27 फरवरी से लग रहे हैं। दोस्तों कहा जाता है होलाष्टक के दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। होलिका दहन के साथ ही ये अशुभ काल समाप्त होता है। दोस्तों होलाष्टक क्यों लगते हैं और इस दौरान शुभ कार्य क्यों नहीं किए जाते, इसके पीछे ग्रहों की अवस्था और पौराणिक कथा भी है। होलाष्टक को लेकर क्या मान्यताएं हैं? इन दिनों में क्या नहीं करने की सलाह दी जाती है आइए जानते हैं। दोस्तों फागुन माह की पूर्णिमा से पहले 8 दिन लगभग सभी नवग्रह अस्त और रुद्र अवस्था में होते हैं, यानी इन दिनों ग्रह अस्त होकर अशुभ फल देते हैं। इसीलिए कहा जाता है अगर इन दिनों में कोई शुभ काम किया जाता है तो उसका फल या अंत शुभ नहीं हो पाता। इसीलिए शुभ कार्यक्रम जैसे कि शादी, सगाई, नए घर में प्रवेश, बच्चे का मुंडन, यहाँ तक कि नई गाड़ी खरीदना, इस समय ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता, क्योंकि कहा जाता है कि ग्रहों की रुष्ट दृष्टि अच्छे काम भी बिगाड़ देती है। दोस्तों होलाष्टक से संबंधित मैं आपको एक पौराणिक कथा भी सुनाता हूँ। होलाष्टक को लेकर प्रहलाद की पौराणिक कथा तो सबने सुनी होगी। कहा जाता है कि हिरण्यकश्यपु अपने ही पुत्र नारायण भक्त प्रहलाद से नाराज था। उसने प्रहलाद को मारने के लिए पूर्णिमा का दिन चुना। पूर्णिमा के दिन से 8 दिन पहले से ही उसके निर्दयी पिता ने उसे कई तरह की यातनाएं देना शुरू कर दिया,
ताकि वो डर कर पिता का भक्त बन जाए। लेकिन प्रहलाद अपनी भक्ति से ना डिगा। आठवें दिन प्रहलाद की बुआ होलिका ने अपनी गोद में अपने भतीजे को बिठाया और उसे भस्म करने की कोशिश करी, लेकिन भक्त प्रहलाद का बाल भी बाका नहीं हुआ और होलिका जलकर भस्म हो गई। पूर्णिमा से पहले के ये 8 दिन जब भक्त प्रहलाद ने यातनाएं सही, वही होलाष्टक कहलाते हैं। इसी कारण इन दिनों में शुभ काम करने की मनाही की जाती है। दोस्तों, होलाष्टक के दिनों में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? होलाष्टक में मान्यता अनुसार शुभ और मांगलिक कार्यक्रम की मनाही है। इस दौरान शादी ब्याह तो नहीं कराए जाते, साथ ही सगाई और तिलक भी नहीं किए जाते। इन दिनों में नया वाहन, नया सामान नहीं खरीदना चाहिए। इन दिनों में नए मकान की डील या गृह प्रवेश भी नहीं कराना चाहिए। इन दिनों में बच्चे का मुंडन संस्कार, नामकरण, जनेऊ संस्कार भी करने की मनाही है। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण राधे राधे लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।